गर्मी में जहाँ बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, एक पानी की कटौती से भी, पानी की सप्लाई से भी लोग परेशान हैं। 72 घंटे और 92 घंटे 84 घंटे में सप्लाई हो रही है, जबकि ये कहा जा रहा है कि 7 नंबर टैंक से पर्याप्त मात्रा में और उससे कहीं अधिक पानी हम सप्लाई कर रहे हैं, उसके बावजूद क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पा रहा। जितने हमारे एलियन लगे हुए हैं वो एलियन फील्ड में नहीं जाते हैं, उन्होंने गलत जोन सिस्टम के कारण से लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा। स्मार्ट सिटी में, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन में और अमृत योजना में इतनी सारी नई पाइपलाइनें डलने के बावजूद भी शहर में पानी क्यों नहीं जा रहा, प्रेशर से क्यों नहीं पानी जा रहा, सब जगह लीकेजेस हैं। पिछले साल में जो हैंडपम्प स्वीकृत हुए थे वो इस गर्मी में, मतलब पिछली गर्मी में खुद जाने चाहिए थे, वो इस गर्मी में भी अभी तक नहीं खुदे। इसके साथ ही एक अजयनगर में ओवरहेड टैंक बनना था, उस ओवरहेड टैंक का टेंडर हो गया लेकिन वर्क ऑर्डर अभी तक जारी नहीं किया गया। तो इन सब इश्यूज़ को लेकर के आज PhD के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है और मैंने उनको कहा है कि या तो वो अपनी व्यवस्था ठीक कर लें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी फिर आंदोलनात्मक रूप अपनाएगी और निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों को हम बख्शेंगे नहीं।